हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि भारतीय रेलवे की स्पीड 130 से अधिक नहीं की जाती है, जबकि उनके जो लोकोमोटिव हैं उनकी स्पीड 200 से ऊपर भी जा सकती है, लेकिन इनकी स्पीड कम रखी जाती है। इसके पीछे कारण क्या है कि जो हमारे ट्रैक्स हैं वो तो कैपेबल नहीं है। तो अगर रेलवे की स्पीड इससे ज़्यादा की जाएगी तो जो है हमारे ट्रैक टूट सकते हैं। इसलिए सेल कंपनी ने नए ट्रैक्स को मैन्युफैक्चर कर लिया है, जिसका ऑर्डर RDSO ने दिया था और ये सक्सेसफुली कंस्ट्रक्ट भी हो गए हैं, जो कि 30 जून 2020 को लॉन्च भी कर दिए। तो सेल कंपनी क्या है? सेल कंपनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक महारत्ना PSU है, जो भिलाई स्टील प्लांट है उसके द्वारा ये ट्रैक्स मैन्युफैक्चर किए गए हैं। तो सेल कंपनी के CEO अनिल कुमार चक्रवर्ती जी ने कहा है कि इसको बनाने के लिए हमें वैनेडियम एलॉय स्टील यूज़ करना पड़ा, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे ट्रैक्स हैं वो हाई प्रेशर को झेल सकते हैं, हाई स्ट्रेस को झेल सकते हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर हाई स्पीड रेलवेज भी रन कर सकते हैं। और ये काम सक्सेसफुली लॉन्च भी कर दिया गया है, जिसके लिए पुराने ट्रैक्स कैपेबल नहीं थे, इसलिए हमारी जो ट्रेन की स्पीड है वो 130 से ऊपर नहीं की जा रही थी। लेकिन अब ये ट्रैक्स जो हैं इन ट्रेनों को हाई स्पीड पर ले जा सकते हैं और इनकी कैपेसिटी भी उतनी अच्छी है। और एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें कि जो फॉरेन कंट्रीज़ में भी ट्रैक यूज़ होते हैं, ये उनकी तुलना में भी काफ़ी अच्छे ट्रैक हैं, जो उनके कंपेयर में हाई स्पीड रेलवेज़ को हमारे इंडिया में रन करा सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ लाते रहते हैं।